जब रोक नहीं लगती है, पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की बहाली नहीं होती है, जन अधिकार पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेगी, करते रहेगी। निश्चित तौर पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा इस तरह का संघर्ष जारी रहेगा। सरकार आपको बात माननी पड़ेगी। मिशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद है हम राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास और ये देखिए पप्पू यादव के तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को प्रशासन के द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव के कार्यकर्ता इन दिनों लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि पप्पू यादव को जो है वो रिहा किया जाए, लेकिन अब जो है वो प्रशासन ने इनका जो न्याय मार्च है, लोक न्याय मार्च जो था उसको प्रशासन ने रोका है। देखिए किस तरह से प्रशासन सूचित जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है और देख सकते हैं तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जो नेता है क्या कुछ है। देखिए आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मार्च पर निकले थे और प्रशासन यहाँ रोक दी है, तो प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारे सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक स्कूलों में पढ़ाई तो फीस जब रोक नहीं लगती है, पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की बहाली नहीं होती है, जन अधिकार पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेगी, करते रहेगी। बिल्कुल, तो ये तमाम जो नेता हैं पप्पू यादव के, उनकी जो मांग है उसी मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर निकले थे और डाक बंगले तक इन लोगों का प्रदर्शन था। हालांकि प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया और बैरिकेडिंग करके इन तमाम नेताओं को प्रशासन के द्वारा रोका गया है। दानवीर जी, प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, रोक दिया गया है, लेकिन हमारी आवाजों को तो नहीं रोक दिया है ना। हम लोग सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय पप्पू यादव जी को गिरफ्तार ही किया गया था, जो सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था, तब हमारी आवाजों को कितना दबाएगी। हम लोग सुनने वाले में से नहीं है, न्याय चाहिए और न्याय मिलेगा। माननीय न्याय न्यायालय पे हमें भरोसा है। हम लोग कई मांगों को लेकर ये राज्यव्यापी लोक न्याय मार्च प्रशासन के द्वारा रोका गया। आपको देखिए सरकार के घर हमको जाना है और प्रशासन यहाँ रोक रही है। मैं प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं, सरकार की व्यवस्था सुधीर हो, लड़ाई हमारी सरकार से है। मेरी पांच सूत्री मांग है कि नीतीश कुमार जी बच्चों के फीस को माफ कर दीजिए, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दीजिए, मजदूरों को आप जो मनरेगा के तहत कृषि का दर्जा दे दीजिए और जितने लोग मरे हैं उनको अविलंब 4.5 लाख रुपया आप दीजिए। और पप्पू यादव को क्यों परेशान कर रहे हैं, उनको रिहा कीजिए। मैं आज यहाँ आया हूँ न्याय मार्च लेकर के सरकार के घर में न्याय मांगने के लिए। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, न्याय चाहे न्यायालय से मिले या सरकार से मिले, जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय मार्च करने, लोगों को न्याय खिलाने के लिए लोक न्याय मार्च करने के लिए हम आए हैं। निश्चित तौर पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा इस तरह का संघर्ष जारी रहेगा। सरकार आपको बात माननी पड़ेगी। क्या गुनाह किया आम गरीब गुरुआ ने कि आप एक तरह से मेडिकल माफियाओं से जबरन पैसा उछलवाए गरीबों से, लेकिन प्रशासन तो रोक दिया आपको, प्रशासन ने रोक दिया है, आगे आप कैसे जाएंगे। ये लड़ाई इन प्रशासन से हमारी नहीं है, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम जनता की ड्यूटी कर रहे हैं। हम जनता के सेवक पप्पू यादव जो ड्यूटी करते करते इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उनकी लड़ाई आम जन तक पहुँचे और आम जन की लड़ाई पप्पू यादव जो लड़ रहे हैं न्याय मिले इसके लिए हम लड़ रहे हैं। पप्पू यादव को न्याय मिले, आम जन की आवाज़ को ये उठा रहे हैं और फिलहाल इनको जो है वो इनकम टैक्स से पहले प्रशासन के द्वारा जो है वो रोक दिया गया है। तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ मौजूद है। और जो अपडेट्स देंगे उसमें निश्चित के साथ।